Hey guys, welcome back to my channel. This is me, Shivani. I hope you all are doing good. So guys, मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है स्वाति भामरा इंस्पायर्ड मेकअप लुक. I hope guys ये लुक आप लोगों को पसंद आए, क्योंकि मेरी जो प्रीवियस वीडियो थी स्वाति भामरा इंस्पायर्ड मेकअप लुक वाली, उसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया. थैंक यू सो मच गाइज. उसमें जो व्यूज़ हैं वो 4000 के अवब अब आ रहे हैं धीरे धीरे, और कमेंट्स भी आप लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे मुझे दिए थे. थैंक यू सो मच गाइज उसके लिए. सो मैंने सोचा क्यों ना मैं फिर से आप लोगों के साथ एक और इंस्पायर्ड मेकअप लुक शेयर करूं. सो गाइस, यहाँ पे मैंने बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं. चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो गाइस, मैंने यहाँ पे सबसे पहले लगाया है मॉइस्चराइज़र. कोई भी मेकअप स्टार्ट करने से पहले आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइज़र या जेल ज़रूर अप्लाई किया कीजिए. देन मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है 9YBay का प्राइमर, और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग प्राइमर था. मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया था बट मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा. देन उन्होंने बीबी क्रीम यूज़ की थी, बट मैंने यहाँ पे फिटमी का फाउंडेशन यूज़ किया है, बिकॉज़ ये भी जो फाउंडेशन है बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड है और वाटरप्रूफ फाउंडेशन है, तो मुझे ये ज़्यादा कंफर्टेबल लगा यूज़ करने में, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ ये फाउंडेशन जब भी मैं वेयर करती हूँ. तो मैं पहले डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी, बिकॉज़ अगर आप डायरेक्ट ब्यूटी ब्लेंडर या फिर आप अपने उससे ब्रश से अप्लाई करते हैं ना, तो वो उस पर क्या होता है कि पूरा ज़्यादातर जो प्रोडक्ट होता है वो उनमें लग जाता है, तो आपके फेस पे अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाता है. यहाँ पर मैंने वेट ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ किया है. कभी भी ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर मत यूज़ किया करो. कोशिश करो कि जो आपका ब्यूटी ब्लेंडर हो वो हमेशा वेट हो. तो यहाँ पर लाइट चली गई थी, अब लाइट आ गई है गाइस, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रेनी हो रही थी बाहर, तो उसके कारण बार लाइट आ रही थी जा रही थी, तो मुझे आज थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रही थी. बट मैंने मेकअप करना स्टार्ट कर ही दिया था, तो मैंने सोचा क्यों मैं मेकअप को बीच में छोड़ूं, तो इसलिए मैंने मेकअप को कंटिन्यू किया. और मैंने यहाँ पे कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ एस क्यू का, और इससे मैं अपने जितना भी मैंने फाउंडेशन लगाया है उसे अच्छे से सेट कर दूँगी, लॉक कर दूँगी, ताकि जो मेरा मेकअप हो वो और भी लॉन्ग लास्टिंग हो जाए. सो गाइज, मैं अपने आईब्रोज़ को डिफ़ाइन करने के लिए यहाँ पे स्विस ब्यूटी की आईब्रो एंड एनाइलर जेल मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, और आईब्रोज़ को मैं जो मेरा ओरिजिनल आईब्रोज़ का शेप है मैं उस पर ही इसको अपनी आईब्रोज़ को फिल कर लूँगी. और आईब्रोज़ को फिल करने से क्या होता है ना, जो आपका मेकअप होता है वो और भी ज़्यादा अमेजिंग दिखने लगता है और भी ज़्यादा उठ के दिखता है. अगर आपको लग रहा है मैंने आईलाइंस कहाँ से लिए हैं, तो आईलाइंस का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दे दूँगी. मैंने ये एक सॉफ्ट लेंस करके इंस्टाग्राम स्टोर है उसमें से मैंने वहाँ से ऑर्डर किया था, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे मुझे मिल गया था. देन मैंने यहाँ पे आई शेडो पैलेट में से यूज़ किया है बेबी पिंक कलर. ये ब्यूटी ग्लेट्स की आई शेडो पैलेट है. अगर आपने इसका रिव्यू नहीं देखा है तो ऑलरेडी चैनल पे है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं. देन मैंने यहाँ पे यूज़ किया है बेबी पिंक कलर का आई शेडो, और मैं इसे तब तक स्मच करूँगी जब तक मुझे मेरा डिज़ायर कलर नहीं मिल जाता, और इसे मैं अपनी पूरी आईलेट पे अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी. देन यहाँ पे हिलेरी हुडा की मैंने यहाँ पे पैलेट ली हुई है, इसमें से मैंने ये ऑरेंज शेड लिया है, और इस पे मैं अपनी जो क्रीज लाइन है मैं सिर्फ उस पे ही इसे अप्लाई करूँगी, मैं अपनी पूरी आईलेट पे नहीं करूँगी. लास्ट में जो हल्का सा प्रोडक्ट बच जाता है वो मैं अपनी पूरी क्रीज लाइन अपनी पूरी आईलेट पे स्प्रेड कर लूँगी, और इसे भी मैं जब तक अपने अपने आईब्रोज अपनी जो आईज़ है उसमें तब तक स्मच करूँगी जब तक मुझे मेरा डिज़ायर कलर नहीं मिल जाता. देन उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्यूटी ग्लिट्स पैलेट में से ये जो येलो कलर है मैंने वो लिया है, क्योंकि उन्होंने समथिंग मॉनसून काइंड ऑफ आई शेडो लगाया था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा उनको ही मैच करने के लिए मैंने ज़्यादा अपनी आईब्रोज़ को डार्क नहीं किया, सॉरी मैंने जो अपनी आईज़ है मैंने उसको डार्क नहीं किया है, बहुत ही लाइट रखा है मैंने. और मैंने यहाँ पे ये येलो कलर से अच्छे से मैं अपनी पूरी आईज़ में फिल कर लूँगी. देन यहाँ पे वेगा का एक फ्लैट ब्रश लेके हल्का सा जो ब्लैक कलर ब्राउनिश एंड ब्लैक कलर मिक्स एक कलर है, उन दोनों कलर्स को मैं मिक्स करके अपनी जो क्रीज लाइन है वहाँ पे अच्छे से एक क्रीज लाइन डिफाइन कर लूँगी अच्छे से, लाइक दिस अच्छी एक पॉइंटेड क्रीज लाइन मैं डिफ़ाइन कर दूँगी. देन मैंने यहाँ पे यूज़ किया है देन अगेन स्विस ब्यूटी में से ये आई लाइनर जेल, और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग जेल है ये भी, और स्मच प्रूफ है, कुछ भी आप ज़्यादा स्मच नहीं होता है, वाटर प्रूफ है, तो ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल एंड इजी होता है इसे लगाना. तो मैं यहाँ पे एक विंग लाइनर ड्रॉ करूँगी. उन्होंने कोई लाइनर यूज़ नहीं किया था आई गेस, लेकिन मैं यहाँ पे लाइनर यूज़ कर रही हूँ. उन्होंने एक ब्लैक कलर के आई शेडो से ही अपने जो आईज़ हैं उसको अच्छे से ब्यूटीफुली बना लिया था, बट मैं यहाँ पे आई लाइनर यूज़ कर रही हूँ, और हल्का सा पॉइंटेड लाइनर मैं आज लगाने वाली हूँ. थोड़ा थिन लगाऊँगी, ज़्यादा थिक मैं लाइनर नहीं लगाऊँगी, और एक विंग लाइनर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लूँगी.
देन इसी तरीके से हम अपने नेक्स्ट आईज़ में भी अप्लाई कर लेंगे लाइनर. और नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी द शुगर पैलेट, और आई लव दिस पैलेट पर्सनली, और इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. और सबसे पहले मैं अपने जो चीक्स हैं उसको कॉन्टोर कर रही हूँ ब्रॉन्जर कलर से. इसमें आपको तीन कलर मिल जाते हैं, हाइलाइटर मिल जाता है, एक ब्लश मिल जाता है और एक कॉन्टोर के लिए मिल जाता है. तो सबसे पहले मैं अच्छे से कॉन्टोर करूँगी, और मैंने यहाँ पे एक स्मॉल पफ़ी ब्रश की हेल्प से अपनी नोज़ को कॉन्टोर कर रही हूँ. और बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड पैलेट है गाइज, और अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप ले सकते हैं. पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी है ये पैलेट. और इसी पैलेट में से अब मैं यूज़ करने वाली हूँ ब्लशर, और बहुत ही ज़्यादा पीच काइंड ऑफ अ ब्लशर है, और बहुत ही अमेजिंग ब्लशर है ये भी. और इसे मैं अपने पूरे चीक्स पे, अपने नोज़ पे अप्लाई कर लूँगी. नोज़ पे अप्लाई करने से थोड़ा सा बेबी लुक आता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली चीक्स पे ब्लश अप्लाई करना. सो आई होप गाइस आप लोगों को मेरा ये लुक पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा. और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग इतना प्यार देते हैं. आप लोग मुझे इंस्टाग्राम्स पे पूछते हैं कि मेरे वीडियोस क्यों नहीं आ रहे. आई एम सॉरी गाइस, बहुत ही ज़्यादा डिले हो रही है, आई नो, बिकॉज मेरा और भी काम है, इसलिए मैं थोड़ा सा डिले हो जाती है वीडियोज़ को. बट आई मेक श्योर कि मैं रेगुलर रहूँ अपने चैनल पर. और उसी पैलेट में से मैंने यहाँ पर ये हाईलाइटर लगा रही हूँ जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइट करना है. और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए गाइज प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, तो नेक्स्ट वीडियो मैं उस टॉपिक पर ज़रूर बनाऊँगी. और देन मैंने यहाँ पर लिपस्टिक के लिए यूज़ किया है दिस शुगर क्रैलॉन, और इसका शेड नंबर मुझे नहीं पता, मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं. बहुत ही ज़्यादा प्यारा कलर मुझे ये लगा. ये ना ही तो ब्राउन है, मतलब ब्राउन एंड रेड शेड में से ही मिक्स कलर है ये कुछ, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये कलर. और स्वाति मैम के जो लिपस्टिक का शेड था उससे भी थोड़ा बहुत मिलता जुलता कलर था ये. देन लास्ट में मैंने यहाँ पे मस्कारा लगाया. मैम ने वहाँ पे आई लैशेज अप्लाई करी हैं, बट मैं यहाँ पे आई लैशेज अप्लाई नहीं कर रही हूँ, बिकॉज़ मुझे लग रहा था कि थोड़ा बहुत मैं आई लैशेज नहीं अप्लाई करती, क्योंकि मुझे मेरी आईज़ जो ये मस्कारा है ना, ये आई लैश का ही पूरा काम कर दे रहा था. एंड हेयर इज़ दी फाइनल लुक गाइज, आप देख सकते हैं. हाँ थोड़ा सा अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, मुझे भी पर्सनली अच्छा लग रहा है, बट आप लोग को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये मेकअप लुक मेरा कैसा लगा, और आई होप मैंने एक हद तक उनका मेकअप को मैच किया होगा. और अगर अच्छा लगे तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा. मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो पे. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू.